Hi guys and welcome back to my channel. So I am starting this vlog from here. So firstly, I know my skin thodi si alag dikh rahi hai because I am having breakouts, but they are still very better. मतलब उतने नहीं है because skin अब heal हो रही है and मैं पूरी journey record कर रही हूँ, like record as in pictures वगैरह मैं click कर रही हूँ कि कितने कितने level से वो सही हो रहा है, सो दैट मैं शेयर कर पाऊँ. तो बहुत जल्द आई विल बी मेकिंग अ स्किन केयर रूटीन वीडियो जो एक्चुअली मेरे लिए वर्क कर रहा है बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस. सो सेकेंडली गाइज, हम लोग जा रहे हैं एक कॉलेज ट्रिप पे. भले 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 भले. सो इट इज़ बेसिकली एन ऑफिशियल येट अनऑफिशियल ट्रिप. मतलब समझ लो, जैसे आपको बताती हूँ, हम वहाँ पर जा काम के लिए रहे हैं, लाइक फॉर वर्क पर्पसेज, जो हमारे कॉलेज का काम है, प्रोजेक्ट है, असेसमेंट है, वट एवर. बट हमारे साथ कोई टीचर, कोई फैसिलिटेटर, कोई अडल्ट नहीं जा, अडल्ट तो हम लोग हैं, कोई एल्डरली पर्सन नहीं जा रहा है. सो वील बी ऑन आर ओन, बट वील गो देयर फॉर वर्क एंड वील बी स्टेइंग इन अ कन्फाइंड प्लेस जहाँ पे सब रह रहे हैं, जो उनकी ऑफिशियल प्लेस है जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन के लिए. तो वो भी मैं शेयर करूँगी आफ्टर वी कम बैक बिकॉज मैं ऐसे जिंक्स नहीं करना चाहती. एंड सेकेंडली आई सी द सराउंडिंग्स देयर, दे विल बी कम्फर्टेबल इन एवरी थिंग कि मैं शेयर कर दूँ, तो तभी आई विल डू बिकॉज वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे ऐसी ये सब चीज़ें नहीं चलती. ओके सो अब आप समझ गए होगे ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ. तो अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, हमें कल निकलना है सुबह. वी हैव अ ट्रेन ऑफ 11 AM एंड सुबह सुबह निकल जाएंगे ऑफकोर्स. मतलब 10 बजे हमने पहुँचने का टाइम रखा है बिकॉज 10:45 ट्रेन वहाँ पर अराइव हो जाएगी, 11 o'clock को निकल जाएगी वहाँ से. सॉरी, तो सुबह तो पैकिंग नहीं हो सकती. तो अभी बज रहे हैं 8:15 एंड अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ. वो भी अब नहीं होगी, मैं अभी मैं सिर्फ सॉर्ट कर रही हूँ मैंने क्या रखना है. पैकिंग मेरी आफ्टर डिनर ही स्टार्ट होगी जो कि 9:30 होगा. सो या, तो मैंने सोचा मैं एक कंबाइंड सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाती हूँ कि मैं व्लॉग तो हर दिन का करूँगी वहाँ पर, तो दिस विल बी लाइक प्री यू नो वीडियो ऑफ ऑल दोज ट्रिप वाले व्लॉग्स. एंड सेकेंडली इट विल बी लाइक हाउ डू आई पैक फॉर अ ट्रिप, सेकेंडली हाउ डू आई पैक फॉर अ कॉलेज ट्रिप. तो आप लोग क्या क्या ले जा सकते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन टिप्स वगैरह अगर आपको चाहिए, यू नो नॉट दैट आई एम अ गुरु. एंड गाइज, एक और चीज़, मैं मेरे को तो ये एड्रेस करनी है. मतलब आज ना मेरे साथ इतना 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 अच्छा हुआ, आज डेट क्या, 27th of July है. ओ आई थिंक दैट गर्ल वुड बी सीइंग द व्लॉग. आज मेरे पास इतना इतना अच्छा हुआ ना, मैं क्या ही बताऊँ. सो मैं मेट्रो से निकली एंड हमारे कॉलेज के लिए वी नीड ऑटोज, ठीक है, तो हम शेयरिंग ऑटोज में जाते हैं. सो क्या हुआ कि मैं जिस ऑटो में बैठी ना, आई टोल्ड देम कि मुझे इस कॉलेज में जाना है एंड सडनली देयर वाज दिस गर्ल जो मेरे साइड में बैठी थी एंड यू नो उसने मुझे शोल्डर पे ऐसे ऐसे करा. तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक चलो कुछ चेंज के लिए कुछ पूछ रही होगी. तो वो मेरे साथ ऑटो में ही बैठी थी एंड शी सेड कि आप व्लॉग्स बनाते हो ना यूट्यूब पे. एंड आई वाज लाइक या, बट वो ना मेरे बैच की नहीं थी एंड नॉट लाइक वो मेरे कोर्स की भी नहीं थी. तो हमारा जो कोर्स है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप, वहाँ पे ऐसे सेक्शन या कुछ नहीं है. तो ऐसा है कि अगर हम लोग फोर्थ ईयर में हैं तो वी नो थर्ड ईयर में कौन है, वी नो सेकेंड ईयर में कौन है एंड फर्स्ट ईयर तो अभी आए नहीं जो फ्रेशर्स होंगे अभी, राइट. तो हमें पता रहता है बिकॉज ऐसे सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक क्लास फॉर यू नो एक ईयर की सिर्फ एक ही क्लास है, तो हमें पता रहता है. बट वो हमारे उसकी थी नहीं कोर्स की एंड मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे को, क्योंकि यू नो ठीक है चलो मेरे कोर्स वालों को तो पता ही है दैट आई व्लॉग इन एवरीथिंग, बट किसी दूसरे को पता हो ना दैट इज़ अ ह्यूज थिंग. तो उसने बोला कि आई हैव सीन योर व्लॉग्स इन एवरीथिंग. तो मैंने बोला थैंक यू सो मच बट हाउ डू यू नो मी. एंड तो उसने ये बोला कि यू मेड अ कॉलेज टूर वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो इधर जाके देख सकते हो. तो मैंने अपने फर्स्ट फ्यू डेज इन JMC ऐसा कुछ देखा था. तो प्रॉबेबली वो एक फ्रेशर होगी, वो फर्स्ट ईयर में बता रही थी अपने आप को, तो उसने देखी होगी फॉर यू नो रेफरेंस की मैं यहाँ पे JMC में एडमिशन ले रही हूँ. तो बट आई फेल्ट सो नाइस एंड शी वाज लाइक कि यू नो आई सॉ योर ब्लॉग एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक ओके, आई मीन पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर गर्ल गाइज. द प्योर लगाना बिकॉज शी इज़ टेक्निकली माई जूनियर एंड द वे शी स्पोक एंड वो इतनी ऑनेस्टली एंड इतनी स्वीटली बात कर रही थी. तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क योर नेम. मैंने उससे सब पूछ लिया कि आप कौन से कोर्स में हो, ये वो सब. मैंने नाम नहीं पूछा, पता नहीं मैं भी कैसी हूँ, सॉरी यार, आई एम वेरी वेरी डम. बट थैंक यू सो मच, यू लिटरली मेड माई डे एंड या. सो ये मुझे शेयर करना था यार, थोड़ा सा क्या हो गया, सो लोग क्या है. सो अब उसके बाद पैकिंग शुरू करते हैं और आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी. और देखो अभी मैं हेयर वॉश करा के आई हूँ ना, तो बाल अच्छे हो रहे हैं. सो गाइज, आई एम बैक एट दिस OG प्लेस
एंड आई नो माई बेड इज अ मेस एंड मैं साफ नहीं करने वाली, तो प्लीज़ बेयर विद मी. सबका है, मुझे पता है, बेड पे लेटर लेटर देख रहा हूँ ना, सबका बेड फैला हुआ, तो डोंट जज मी. तो आई हैव दिस सूट केस विद मी, वेरी डिसेंट लुकिंग, क्योंकि ये मैंने अपनी मम्मी से लिया है. ये रहा ये सूट केस है वी आई पी का. सो क्योंकि हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं एंड इसलिए आई डेंट वॉन्ट कि मैं वो फैंसी और वो जो प्लास्टिक और वो वाले आते हैं ना हार्ड केस वाले जो हम सबके पास हैं, यू नो बच्चों के पास जो होते हैं, तो वो मैं नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि ट्रेन में लगेज इधर उधर रखना पड़ता है तो ख़राब बराब हो जाएगा. सो दिस वन एंड ये ना गाइस मैं बता देता हूँ, कितना भी ले लो आप, कितना भी लुक्स के पीछे भाग के वैसे वाले लगेज आप ले लो, पर काम यही आते हैं क्योंकि ये एक तो कपड़े का है, इसमें पॉकेट्स होती है, दैट इज़ द मेन थिंग. एंड सेकेंडली ये ऐसा है ना तो ये एक्सटेंड भी हो जाता है कपड़ा. सो देख रहे हो प्रैक्टिकली ये बहुत सही है. और उसके बाद आई एम टेकिंग दिस हैंड बैग जो कि मैंने लिया था जूटबेरी से, ये एक वेबसाइट है एंड या सो दिस इज़ अ वेरी क्यूट हैंड बैग. ये बहुत बड़ा है कि हाँ पता नहीं छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, जो भी लग रहा है, बट ये काफ़ी बड़ा है एंड या इट लुक्स क्यूट. तो मैं एक ही बोले जा रही हूँ और आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत मिनिमल स्टफ रखूँ क्योंकि मैं नहीं कैरी कर सकती इतना सब कुछ सामान को. बाकी का व्लॉग ना मैं वॉइस ओवर में करूँगी क्योंकि मैं जो कैमरा है ना वो नीचे की तरफ कर दूँगी ताकि मैं बैग में जब सामान अरेंज करूँ तो आप लोग को दिख जाए. ऑल्सो ये वाली जो होगी ना इसमें आपको कुछ फैंसी क्लोथ या वो नहीं दिखेंगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कॉलेज ट्रिप में जा रही है और क्या, बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ वर्क ट्रिप जैसे मैंने पहले बताया. तो उसमें ना हमें एथनिक पहनना है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट उस तरीके का है एंड इसलिए मेरे एथनिक कपड़े ज़्यादा होंगे, बाकी कैजुअल्स होंगे ही नहीं. बट मैं आपको वो आप यार कपड़ों का क्या करना है, मैं एथनिक ले जा रही हूँ, आप उसकी जगह कैजुअल्स रख मतलब वो रख लेना वेस्टर्न जो भी आप पहनते हो, ठीक है ना. ऑर्गेनाइजेशन टिप्स तो वही रहेंगे ही, समझ रहे हो. ये नहीं एथनिक देख के बंद कर दूँ मैं, पहले आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर दैट आई विल बी कीपिंग एथनिक क्लोथ, तो इसलिए तो आप लोग वैसे रख लेना और बाकी का व्लॉग वॉइस ओवर में. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. ये सबसे पहले मेरा पजामा है क्योंकि मैं नाइट सूट से स्टार्ट कर रही थी ऑफ कोर्स, एंड मैं कपड़े रोल करके रखती हूँ उससे ज़्यादा कपड़े आते हैं एंड कपड़े ना इंटैक्ट रहते हैं, उनका जो प्रेस होता है जो हम कहते हैं ना क्रीजेस आ जाती हैं वो नहीं आती. तो ये फर्स्ट मेरे पजामाज मैं अरेंज कर रही हूँ, तो ये क्यूरी पिंक वाला था एंड अब उसके बाद मैं कपड़े रखती रहूँगी. तो ये एक पजामा हो गया मेरा, पता नहीं मैंने इसे खोल के क्यों रख लिया. सो अब मुझे समझ में आया मैंने इसे खोल के क्यों रखा था, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ रोल कर रही हूँ. गाइज योर गर्ल इज़ नॉट डम, ठीक है ना, आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं एनीवेज. तो मैं नाइट सूट का पूरा सेट बना के एंड इसे एक साथ रोल कर रही हूँ. और गाइज एक बहुत हैक बताऊँ मैंने क्या चीटिंग करी है मस्त एकदम. मैंने पजामाज ले लिए पहले के बहुत क्यूट क्यूट वाले एंड मुझे बाई चांस मुझे टी शर्ट्स मिल गई मैचिंग की, तो ये सेट नहीं है बेसिकली, बट मैं सेट के हिसाब से ले आई थी टी शर्ट्स और पजामास. तो या ये बेसिकली केपरीज हैं, तो इस तरीके से मैं सारे कपड़ों को रोल करूँगी. एंड अब मैं ले आई हूँ पाउचेस जो कि मेरी एक्सेसरीज रखने के लिए यूज़ होंगे बेसिकली. तो मेरे पास बहुत सारे पाउचेज हैं, आई लव कलेक्टिंग पाउचेज और मैं महंगे पाउचेज लेती ही नहीं हूँ. तो हाँ अब ये हो गया शैम्पू. शैम्पू के मैंने सैशे रखे थे, ये शैम्पू कंडीशनर का कॉम्बो आता है डव का एंड आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन जो कुछ भी लगा लेती है. ये फेस वॉश हो गया, मुझे स्मॉल पैकेट्स चाहिए थे बेसिकली तो मैंने स्मॉल ले लिए. अब ये टूथपेस्ट हो गई. यस गाइस हम होटल में नहीं रुक रहे जहाँ हमें ब्रश टूथपेस्ट और पूरा वो किट मिलेगी, तो हमें अपना सब कुछ ले जाना पड़ा था. सो दिस इज़ द टूथपेस्ट जो कोलगेट की छोटू आती है, आई थिंक 10 रुपये की और व्हाटएवर. अब ये हो गया गाइस मस्कीटो रिपेलेंट. सोचो मैं घर पे लगाती हूँ मस्कीटो रिपेलेंट, तो वहाँ तो मैं लेके ही जाऊँगी एंड वहाँ पे हमें बोला भी गया था कि ऐसे एसीज़ वगैरह नहीं होंगे तो ले जाना मस्कीटो रिपेलेंट क्योंकि बारिश का सीज़न भी है गाइस. सो इसलिए मैंने छोटू मस्कीटो रिपेलेंट लिया. देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर सोप्स गाइस, पेपर सोप के बिना तो मैं वैसे ही ट्रैवल नहीं कर सकती, कॉलेज भी नहीं, तो वहाँ तो मैं क्या ही नहीं मतलब क्यों ही नहीं करूँगी व्हाटएवर. तो समझ लो ना आप मतलब पेपर सोप की इंपॉर्टेंस आप समझ गए ना, समझ गए या नहीं. अब ये दूसरा पैक बन रहा है वो टॉयलेट्रीज का था, अब ये दूसरा बन रहा है मेरी स्किन केयर का. फेस वॉश इसमें आना चाहिए था. देन गोज़ माय सनस्क्रीन, देन गोज़ दिस रोज़ वाटर जो स्प्रे बॉटल में मैं रखती ही हूँ घर पे, देन दिस जॉनसन्स बेबी ऑयल मेकअप रिमूव करने के लिए, मैं कोई माइसिलर वाटर यूज़ नहीं करती, एंड दिस क्लेंजिंग मिल्क. मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ, बहुत सॉफ्ट होते हैं स्किन के लिए एंड ये नेचुरल भी हैं. तो या अब ये मेरे पाउचेस रेडी हो गए. नाउ इट्स टाइम फॉर कपड़े शपड़े, दैट इज़ माई सूट्स एथनिक क्लोथ्स. तो ये हो गया सुंदर सा पीच कलर का सूट गाइज, बहुत ही मतलब मुझे तो चिकन के कुर्ते इतने पसंद हैं ना, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे चिकन कुर्तीज़. सो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ती जो मैंने एक्चुअली लास्ट डे पे पहनी थी, तो आप समझ रहे हो मैं उस ऑर्डर से अरेंज कर रही हूँ. देन दिस इज़ अ ग्रीन चिकन कुर्ती जो कि
सिमिलर लग रही है बट है नहीं. नो 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 नो. मैं अटैच करूँगी पिक्चर्स लास्ट में. डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल लास्ट, टिल द एंड बेसिकली, ताकि आप हर दिन की पिक्चर्स देख सको. एंड दिस इज़ द सूट. ये मेरा प्रॉपर सूट था, ये मैं सूट लेके गई थी. वो सिर्फ कुर्तीज थी, ये सूट था. इसमें बॉटम और दुपट्टा और कुर्ती जो होती है वो तीनों थे, मतलब प्रॉपर सेट था. सो दिस इज़ द सूट. एंड नाउ द सूट इज़ ऑल्सो अरेंज्ड. आई फाइनली मैनेज टू डू दैट. ये एक सलवार है मेरी, मेरे पास एक वाइट सलवार है. और मैं आपको बताऊँ ये वाइट सलवार मेरे पास कैसे आई. मेरी स्कूल यूनिफॉर्म की मैंने सेव कर रखी थी, आई वाज लाइक मैं कुर्तीज़ के साथ पहन लूँगी इसे. तो हाँ, जो मेरा स्कूल था उसमें सूट सलवार थे, तो ग्रे सूट था हमारा, वाइट सलवार थी. सो वो सलवार है मेरी, अब तक चल रही है. सोच रहे हो गाइस, मेरी मेजरमेंट्स में इतना फ़र्क वैसे आया नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना. तो मेरे पास एक ग्रे कुर्ती थी एंड मेरा बहुत मन था सलवार सूट पहनने का. एंड आई लव वेयरिंग सलवार सूट्स. तो इसका भी मैंने ऐसे कॉम्बो सेट बना के रोल करके साइड में स्टफ कर दिया. एंड इवेंचुअली इसकी प्रेस बहुत ख़राब हो गई थी, बट लकीली वहाँ पे एक लड़की प्रेस लाई हुई थी तो मुझे इतना वो नहीं हुआ, मैंने इसको प्रेस कर लिया. एंड अब थोड़ी सी अरेंजमेंट में दिक्कत हो रही है. सो थोड़ी सी मैंने अरेंजमेंट चेंज करी है क्योंकि सूट नीचे ठीक रहता है. अब ये वाइट एक स्टोल है जो कि मुझे मेरी वेरी डियरेस्ट फ्रेंड प्रेरणा ने दिया था. प्रेरणा, इफ़ यू वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच. एंड प्रेरणा की मॉम ने, मतलब प्रेरणा के बर्थडे पे दिया था. तो ये स्टोल भी बहुत काम आया था, अभी मैं उसको फोल्ड ही कर रही थी. तो आई वाज लाइक ये जो मेरी चिकन की कुर्तीज़ हैं उनके साथ ही स्टोल चल जाएगा, बट वहाँ पे जाके हमें पता चला इतना मतलब नेसेसरी नहीं था, हमने बिना स्टोल के भी काम कर लिया. ये एक मेरी जो मेरे कॉलेज मर्च है ना, ये वो वाली टी शर्ट है. ये बहुत ओवर साइज आ गई थी तो इससे मैं एज अ टी शर्ट ड्रेस रख लेती हूँ. तो मैंने ये नाइट के लिए रखी थी कि नाइट ड्रेस में इसको और शॉर्ट्स के साथ पेयर करके एक बहुत अच्छा नाइट सूट बन सकता है. एंड दीज आर बेसिकली सम केपरीज एंड शॉर्ट्स जो मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, यू नो, फॉर रैंडम स्टफ़ की. जैसे अब शाम को आए तो नाइट सूट नहीं चेंज करा, तो वो ऐसे कैजुअल केपरीज और टी शर्ट्स पहन ली. एंड ये सब सामान वही जा रहा है मेरा. ये शॉर्ट्स हो गए मेरे. तो ये मैं सब रोल रोल करके ही स्टफ़ कर रही हूँ बिकॉज या दैट मेक्स इट ईजियर. और ये एक मेरी बहुत फ्लोई ड्रेस है. तो बेसिकली हमारा संडे को एक दिन था जो हमारे को साइट सीन के लिए था, वो फ्री डे था क्योंकि संडे को स्कूल्स नहीं होते. तो इसलिए मैंने ये ड्रेस रखी थी कि जब मैं साइट सीन करने जाऊँ तो यू नो व्हेन यू आर इन जयपुर तो यू नीड गुड पिक्चर्स. बट आई डेंट वॉन्ट ऐसे कुछ एथनिक, क्योंकि मेरे बाकी दिन एथनिक में पिक्चर्स आ रही थी. तो आई वॉन्टेड समथिंग मॉडर्न एज वेल एज कुछ फ्लोई सा, जो एथनिक, जो एक वो लुक भी दे रॉयल सी. तो इसलिए मैंने ये ड्रेस रखी, लॉन्ग ड्रेस है. सो या नाउ आई एम कीपिंग दिस ड्रेस. ये भी रोल करके रखी थी बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है. ये वो वाला फैब्रिक है गाइस, जैसे होता नहीं, जैसे ये वाला फैब्रिक भी है जो ये टॉप है. ये इसे क्रम्बल कर लो बट ये ख़राब नहीं होता, तो वो वाली ये चीज़ है. तो मैंने एक टॉप रखा था बिकॉज इतना तो मुझे पता था कि लास्ट डे तो हम डेफिनेटली कहीं बाहर जाएंगे ही जाएंगे, तो फॉर यू नो डिनर एंड एवरीथिंग. तो इसलिए मैंने टॉप रखा था. एंड जीन्स तो मैं यहाँ से पहन के गई थी, ब्लैक जेगिंग्स, तो उसी के साथ मैं पेयर कर लेती क्योंकि गाइज लोअर तो आपके दो तीन बार रिपीट करके आप पहन सकते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम विद लोअर्स. बट टॉप्स में यू नीड लाइक अ वेराइटी एंड थोड़ा सा डिफरेंट. एंड एक ये टैंक टॉप है, ये भी मैंने रख लिया था जस्ट इन केस हम किसी दिन बाहर चले गए. बट लिटिल डिड आई नो कि हम लोग हर दिन बाहर गए थे गाइज, तो या बट वो मैनेज हो गया था सम, मतलब हो गया था, कपड़े इतने कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी. सो अब आई एम कीपिंग माई फुटवेयर. तो ये ना मैंने मीनीसो से उसी दिन ऑर्डर करी थी, यानी उसी, मतलब उसी दिन आई थी ये अमेज़ॉन मीनीसो से. एंड वो पाउचेस में आई थी तो मेरे को इतनी हेल्प हो गई कि उस पाउच में मैंने वो स्लीपर्स अपनी स्टफ़ कर ली. जैसे एक ये वाली स्लीपर्स हो गई जो कोल्हापुरीज होती हैं, एथनिक के साथ बहुत बहुत अच्छी लगती हैं. ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों मैंने इतना गंदा कैमरा एंगल रखा हुआ है, बट आई डेफिनेटली फिक्स इट. तो वो रखने के बाद ये मेरा टॉयलेटरीज का पाउच है सारा. ये बॉडी वॉश था आपको पिंक पिंक जो दिख रहा होगा, ये मैंने छोटी सी ट्रैवल बॉटल में स्टफ़ करा था क्योंकि इतना बड़ा बॉडी वॉश तो मैं नहीं ले जा सकती ऑफ कोर्स. तो पाउचेस से ना काफ़ी इजी रह हो जाती है पैकिंग मुझे लगता है. तो अगर आप लोग भी ये देख रहे हो तो पाउचेस ले लो. और मैं ना बहुत महंगे पाउचेस लेती ही नहीं हूँ, तो मैं बहुत सस्ते, मतलब लोकल मार्केट्स में मैं आपको बताऊँगा इस 50 के दो पाउचेस और ऐसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं. एंड पाउचेस जो हैं वो इतने यूज़ नहीं होते, तो आप इतना अच्छा क्वालिटी का लेके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ट्रिप्स पे यूज़ होते हैं, ठीक है. तो आप रेगुलर भी ले लो तो वो चल जाते हैं ट्रिप्स पे, ऐसा नहीं कि उनकी जिप खराब हो गई है कुछ. वो तो तब होता है जब आपका रेगुलर यूज़ में कोई चीज़ आ रही हो, तो आप अच्छी क्वालिटी का लो. ये मेरा पर्सनली मानना है. तो मैं बहुत सस्ते पाउचेस लेती हूँ ताकि मैं बहुत सारे ले सकूँ, बिकॉज ताकि काफ़ी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज रहें. तो इसमें अब ये मैं एक जैकेट रख रही हूँ, ये भी मेरी कॉलेज मर्च है. ये मेरी ऑलरेडी बाहर ही रखी हुई थी, जो मेरे समर क्लोथ्स हैं मेरे क्लोजेट में, तो उसी में रखी हुई थी ये. तो इसलिए मैं रख रही हूँ बिकॉज यू नो जस्ट इन केस वहाँ पे ठंड लग गई तो,
क्योंकि जयपुर पूरा वो भी नहीं है, थोड़ा हिली है. और ये देखो ये सारा मैंने अरेंज कर लिया विद पाउचेस. एंड अब यहाँ पे जो जिप्स हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सामान स्टफ़ करूँगी. तो ये मेरी मेकअप वाली कैबिनेट है, ये मैंने पूरी निकाल ली थी. तो आई विल डिसाइड कि मैं क्या मेकअप लेके जाऊँ एंड क्या स्टफ़ करूँ उसमें. सो देयर गोज़ माई आईब्रो पेंसिल, क्योंकि आई मीन आई लाइक टू ब्रश माई आईब्रोज. मैं इतनी फिक्स नहीं करती बट ब्रश कर लेती हूँ थोड़ा सा. तो देन गोज़ माई आई लैश कर लो. आई लैश तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मतलब मेरा गो टू मेकअप लुक आई मेकअप लुक ही होता है काजल और मस्कारा. एंड सो या हेयर कम्स काजल एंड मस्कारा. आई डू नॉट लाइक बेस मेकअप इतना. आई मेकअप आई लव, वो भी बस काजल और मस्कारा ही होता है मेरा मेकअप, कोई आई शैडो वगैरह कुछ नहीं. एंड दिस इज़ द टिंट राइट नाउ, आई एम लविंग टिंट्स. ये माई ग्लैम की है. मुझे ब्लश से ज़्यादा टिंट्स बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि बहुत नेचुरल ग्लो देती हैं, एज वेल एज ये पाउडर की तरह उड़ती है, मतलब बहुत केकी नहीं लगता है, बहुत नेचुरल, मतलब ब्लेंड हो जाती हैं. ये ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो. देन मैं ये दो लिपस्टिक्स रख रही हूँ, एक ब्राउनिश न्यूड है, एक पिंकिश में है, जो कि यूज़ हुई ही नहीं मेरी. पिंकिश तो हुई ही नहीं क्योंकि पता नहीं क्यों मैं न्यूड्स ही लगाती हूँ, मेरे को ओवर लगता है. ज़रा सा पिंक भी मैं लगा लूँ मेरे को बहुत ओवर लगने लगता है. सो या आई एम ट्राइंग टू नाउ मैनेज की फिट हो जाए. अब ये रही मेरी बीबी क्रीम. फाउंडेशन से ज़्यादा आई प्रेफर टू यूज़ बीबी क्रीम अलॉट, बट इसमें मैंने फाउंडेशन रखी थी बिकॉज जैसे मैंने बोला मेरी स्किन ब्रेकआउट हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा कुछ कवर अप के लिए चाहिए था. देन गोज दिस कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन. बीबी क्रीम वॉज फ्रॉम पॉन्ड्स एंड दिस इज़ द कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन. अभी फोकस नहीं हो रहा तो पता नहीं क्यों मैं फोकस कराने के चक्कर में लगी हुई हूँ यार. उस समय नहीं पता चलता गाइस, थोड़ा सा सहल होना, क्या हो गया है. इतनी भी कोई लंबी वीडियो नहीं हो रही, 1.5x करके देख लो. इतने टाइम बाद में आई हूँ, थोड़ा सा तो देख सकते हो यार, मतलब इतना क्या हो गया. तो अब मैं रख रही हूँ, क्या रख रही हूँ. ओके देन कम्स माई परफ्यूम. दिस इज़ फ्रॉम मिनीसो. आई लव 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 दिस परफ्यूम. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम पॉपेक्सो. दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट वो मिनीसो वाला इज़ माई एब्सोल्यूट लव. एंड मिनीसो पीपल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, क्यों ये बनाना बंद कर दिया यार, अब इसका स्टॉक नहीं आ रहा गाइज. मैंने हर स्टोर पर देखा है मिनीसो के ऑलमोस्ट जो डेली में है, इसका स्टॉक ही नहीं आ रहा. मतलब मैंने उनसे पूछा दे वे लाइक अब न्यू रेंज ऑफ परफ्यूम्स निकाल रहा है मिनीसो यार. अब ये मेरे ब्रशेस आ गए हैं, तो तीन ब्रशेस हैं जो जिनमें से एक भी यूज़ नहीं हुआ, लिटरली गाइस एक भी यूज़ नहीं हुआ. पता नहीं मैं क्यों लेके गई थी ब्रशेस, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही सारे काम करती हूँ, पता नहीं क्यों लेके गई. अब ये मेरे हेयर ब्रश आ गए, तो पिंक वन इज़ फ्रॉम मिनीसो. दिस ऑरेंज वन इज़ फ्रॉम आई थिंक अ लोकल मार्केट, क्योंकि ये तो बस वो है यू नो अनटैंगल करने के लिए हेयर को. ब्रश वाला जो है वो मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ मेजरली. सो या नाउ आई एम डन विद द पैकिंग. ये पूरा नाउ जिप अप हो गया है. देख रहे हो गाइस कितनी मिनिमल पैकिंग करी है मैंने, ये एक हफ्ते की पैकिंग है मेरी. सोच रहे हो कितनी मिनिमल और कितनी स्लीक है. ऑल्सो गाइस मैंने एक हैंड लगेज भी बनाया था जो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो. तो उसमें मैंने काफ़ी सामान रखा था, खाने पीने का सामान हो गया, वो दूसरा एक बैग था. हैंड लगेज में मैंने एक्सेसरी जैसे अपने इयररिंग्स, आप सोच रहे हो कि इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स ये सब नहीं रखा क्या, तो हाँ मैंने छोटे पाउचेस में वो हैंड लगेज में रखा था क्योंकि ये वाले लगेज मेरा बहुत फुल हो गया था ना. आई डेंट वॉन्ट कि मैं बहुत ज़्यादा स्टफ़ करके ले जाऊँ. तो ऐसा नहीं कि मैंने ब्रेसलेट्स और वो नहीं रखे थे, मैंने रखे थे छोटे पाउचेज़ में, और मैंने छोटे ही रखे थे ब्रेसलेट्स वगैरह क्योंकि आई डेंट वॉन्ट मैं स्कूल में जा रही हूँ मैं बहुत हैवी इयररिंग्स और वो पहनूँ, मेरे पास है भी नहीं. तो एनी वे सो या विद दैट बींग सेड मेरी पैकिंग हो गई कम्प्लीट. सो या गाइस इसके बाद थोड़े से जयपुर के नज़ारे हैं, तो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस लाइक इट. एंड आई होप कि मुझे फिर से आप उतना ही प्यार दो जितना पहले दे रहे थे. एंड आई एम बैक एंड आई विल मेक श्योर मैं बहुत 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 फन कॉन्टेंट लाऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.